माई न्यू ब्लॉग। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6 और हमारा सफ़र हो गया है स्टार्ट। मैं जा रही हूँ अपने मायके, भाई आया है उसके साथ जा रही हूँ। सो स्टेशन जा रहे हैं, हमारी ट्रेन थी 7 बजे की, तो 6 बजे हम लोग घर से निकल गए हैं। सो यहाँ पे रुद्रांश, अमन, मैं, रुद्रांश के पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन। सो चलिए चलते हैं और अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। और सुबह का टाइम था ना, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, तो हम लोग आधे घंटे में स्टेशन पहुंच गए थे अच्छे से। और पता है जिस ट्रेन से हम गए वो ज़्यादा भरी हुई भी नहीं थी, तो ये देखो ट्रेन खाली दिख रही है। और काफ़ी अच्छे से हम लोग पहुँच गए हैं। दिल्ली से निकल चुकी है ट्रेन, अभी आगरा पहुँच गई। मैं तो थोड़ा सा सो लेती हूँ, बट लेटी तो फिर नींद भी नहीं आई। सो अभी देखते हैं, सर में भी थोड़ा सा पेन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, सर भारी सा हो रहा है, पहुँच गए हम लोग झांसी स्टेशन। आज चलते हैं घर के लिए, क्योंकि अभी हमको यहाँ से भी 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ बेटा, चलो जल्दी बैग रोल करके जा रहा है। मामू को दे दो बेटा, उससे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, मामू को दे दो। अरे नहीं होगा। सो ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। यहाँ से पकड़ा हमने ऑटो और ये है स्टेशन, झांसी स्टेशन का बाहर का जो व्यू है ना वो है। और ऑटो में बैठते साथ ही ये देखो रोड ख़राब थी ना, तो दचके दचके लग रहे हैं। और ऑटो से उतरने के बाद फिर हमने पकड़ी है बस। सो फाइनली हमें बस भी लगी हुई मिल गई थी, बस में बैठ गए हैं। बैठ नहीं गए, बैठने के लिए तो सीट थी ही नहीं, मतलब खड़े हो गए हैं। खड़े होने को मिल गई थी, वो भी बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पर रुद्रांश को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब ट्रेन में ये बिल्कुल भी नहीं सोया है, मतलब वहाँ पे उसको स्पेस भी था, आराम से सो सकता था, बट नहीं, यहाँ जैसे ही बस में आया ना, उसको इतनी भयानक वाली नींद आ रही थी कि खड़े खड़े ही सो रहा था। बस देखा ना कितनी भरी हुई है, फेस्टिवल का टाइम है तो बस हो या ट्रेन हो सब चीज़ भरी ही रहती हैं। और ये देखिए कितने मस्त मज़े से सो रहा है अमन, थोड़ा सा उसको पकड़ के खड़ा हुआ है। टाइम है उसको, पहुँच गए अभी। एक बस से उतरे नहीं, पहले स्टेशन से उतरे तो ऑटो में बैठे, ऑटो से उतरे तो हम बस में बैठे, अब यहाँ बड़ा चला जाए हम दूसरी बस में बैठेंगे। सो वो वहाँ पे जाना हमें पैदल चल के। हो भाई क्या गर्मी हो रही है, और ना इतनी भीड़ थी बस में, इतनी भीड़ थी ना कि पूछो ही नहीं, मतलब आप घूम भी नहीं सकते हो, सर्कल भी नहीं लगा सकते हो गाड़ी में, बस के अंदर इतनी भरी हुई थी। सो अब चलते हैं एंड यहाँ से दूसरी बस पकड़ते हैं। चलो रुद्रांश को आता है बस रोल करने में मज़ा। रुद्रांश ने खरीद लिया एक ट्रक अपने लिए मिट्टी से खेलने के लिए, पहले ही बंदोबस्त कर लिया। ये बस में भर चुकी है, बट यहाँ फाइनली सीट तो मिल गई है, वो वाली में तो सीट ही नहीं मिली, खड़े खड़े आना पड़ा झांसी से हम लोगों को। हाँ अब चलते हैं, ये भी भर चुकी है पूरी, फेस्टिवल का टाइम है ना इसलिए। और गर्मी तो भाई कैसा फील हो रहा गर्मी में, मज़ा आ रहा, बहुत ही अच्छा, बहुत भयानक वाली गर्मी हो रही है, उमस उमस हो रही है मेरी टीम। कीचड़ से पूरी बढ़ गई है। सो वो जा रही है हमारी बस जिससे हम अभी उतरे हैं, एंड अभी हम फिर से पैदल चलने लग गए हैं, अभी हम पहुंचे नहीं है। ओ ओ, अभी हम एक बस से उतरे हैं। इतनी तो हमने कहीं की यात्रा नहीं की जितनी हमें घर आने के लिए करनी पड़ती है। कितनी चेंज की है हमने, पहले गाड़ी से आए, फिर ट्रेन में बैठे, फिर ऑटो है, ऑटो लिया हमने, फिर ऑटो से फिर बस पकड़ी, फिर बस पकड़ी, अब हम गाड़ी में बैठे, 6 चीजें चेंज कर ली हमारे बन ने। हमने बैठी है ट्रेन में, बस में, बाइक में, और बड़ी फोर व्हीलर में डेमोशन कहाँ ले गए। सो अभी आ रहे हैं प्रिंस भाई, आ रहे हैं लेने के लिए। सो अभी हम जाएंगे अंदर अपने गांव की तरफ को, ये है मेन रोड। सो यहाँ से भी कितना किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, तो अभी 3-4 किलोमीटर दूर और जाना है। और धूप आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ धूप हो रही है, गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है, और इसे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बैग को। बेटा कहाँ ले जा रहा है, बैग खराब हो जाएगा, मौत की जुआ की गाड़ी नहीं है वो। ले इधर दो, भाई इसमें ये जो पानी आ रहा है पीने के लिए है। अच्छा माता टीला का है, माता टीला का है,
ये देखो पाइप से पानी आ रहा है। फाइनली अमरनाथ पहुंच गए। इसका क्या काम शुरू हो गया है? मिट्टी का काम शुरू हो गया, इसीलिए लिया था आपने ट्रक। अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं, हवाई जहाज फ्लाइट आ रही है। फ्लाइट आ रही है, हवा अच्छी लग रही है ना, इतनी गर्मी नहीं लग रही है। तो फ्रेंड्स आ गए, सो हम लोग पहुंच गए हैं घर। अरे भाई अभी नहीं पहुंचे, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। रुद्रांश के जो दोस्त थे यानी भाई बहन उसके, वो है नहीं, वो सब अपने मामा के यहाँ चले गए हैं। मम्मी और यहाँ बैठी हुई हैं। अरे सांप नहीं है वो, नानी ऐसे ही बोली होंगी कभी आया होगा ना। तो पलटी पलटी भैंस लगा ले अमन, वर्कआउट हो जाएगा तेरा। ये देखो ये भैंस को चारा नहीं चरने दे रहा है, पूरे हाथ में फंदा लगा लिया। अब मामू आपको खींचे यार, अब भैंस को खींचे। देखो नानू ने धुआं कर दिया, मच्छर नहीं काटेंगे अब। सब तरफ हरियाली ही हरियाली है, ग्रीनरी ग्रीनरी है। सो आज काफ़ी थकावट हो गई है। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ होने वाला है आगे आने आने ब्लॉग, आगे आने वाले जो ब्लॉग्स हैं ना वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, और ऐसे ही अच्छे से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं ना काफ़ी ज़्यादा थक गई, मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा था। जुदा मैं मिट्टी लेके डाला हूँ, मैं मिट्टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।